कल तक तैयार होना चाहिए। असल में इसे बहुत मुश्किलों से जोड़ा है। निकोला साहब आपके मुंतजिर हैं। गुंडू साहब, कितने शर्फ की बात है अचानक मेहमान का आना पसंद है। मेरे आने की वजह तुम जानते हो निकोला, उस्मान साहब का हुक्म है तुर्गुत सरदार को फौरन रिहा कर दिया जाए। तो फिर इस आम तरीन चीज के मुकाबले में मुझे क्या पेश किया जाएगा गुंडो साहब? कुछ नहीं, उस्मान तुर्गुत हासिल करेगा मगर बदले में मुझे कुछ नहीं देगा, ऐसा ही है। इजाजत दीजिए। मुझे खूनी गोश पसंद है, वो भी उबला हुआ, मगर हर मर्तबा मेरे सामने लकड़ी की तरह गोश रख दिया जाता है, आखिर क्यों? आपने देखा ना गुंडो साहब, इंसान जैसा चाहता है वैसा होता नहीं है। गौर से सुनो निकोला, ये मामला बहुत अहम है। तुर्गुत साहब एक तुर्कमान सरदार है, उस्मान साहब अपनी जान दे देंगे मगर उन्हें तुम्हें नहीं देंगे, रिवायत का तकाजा यही है। और इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि हम ऐसा करके रहेंगे। रिवायत, आप लोगों की रिवायत। गुंडो साहब, आप खुद को तुर्कमानों का सरबराह तसव्वुर करने लगे हैं मगर किसी एक की भी हिफाजत नहीं कर पाए। आप समझते हैं कि तुर्गुत आएगा और कोसिस मिखाइल की बहन मेरी प्यारी मारी को अगवा करने की जुर्रत करेगा और उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, है ना? मारी के साथ जो हुआ उसका हिसाब मैं खुद लूंगा। निकोला, मैंने तुम्हें उस्मान साहब का पैगाम पहुंचा दिया है, तुम्हें मानना है या नहीं तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी नहीं है, और अगर होती भी तो मैं नहीं देता। हाँ, मैं नहीं देता। तुर्गुत को मिखाइल कोसिस को हदिया दूंगा मारी के लिए।